नमस्कार दोस्तों, निक नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, छिपकली अक्सर हमारे घर एवं दफ्तर की दीवारों पर चलती हुई नज़र आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकली इतनी आसानी से दीवारों पर चल और दौड़ कैसे पाती है, चाहे दीवार कितनी ही खुरदुरी या चिकनी क्यों ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छिपकलियाँ दीवारों पर इतनी आसानी से कैसे चिपक लेती हैं। कुछ वक्त पहले तक इसका कारण छिपकली के पंजों और दीवार के बीच वैक्यूम बनना माना जाता था, लेकिन असल में इसका कारण छिपकली के पैरों की संरचना में छुपा हुआ है। दोस्तों, अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में छिपकलियों की लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका के ठंडे तापमान में अनुकूल नहीं हो पाने के कारण छिपकली की एक भी प्रजाति वहाँ नहीं मिलती। छिपकलियों पर रिसर्च करने पर यह पता चला कि छिपकली के पंजों में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं, जिन्हें सीटे कहा जाता है। इन हर एक सीटे में से बहुत से सूक्ष्म रोम निकलते हैं, जिन्हें स्पैचुले कहा जाता है। यही स्पैचुले जब दीवार के संपर्क में आते हैं तो वांडर वाल्स फोर्स पैदा करते हैं, और इसी वांडर वाल्स फोर्स के जरिए ही हमारी छिपकली दीवार पर आसानी से चिपकी रहती है। दोस्तों, छिपकलियों को जब खतरा महसूस होता है तो इनकी पूंछ इनके शरीर से अलग हो जाती है और कुछ समय बाद वापस भी आ जाती है। छिपकली एक बार में ही पर्याप्त पानी पी लेती है और लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रह जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल निक नॉलेज को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आपका कुछ सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।